नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। दतिया जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु दतिया पुलिस ने अब कमर कस ली है। दतिया पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जिला न्यायालय के निर्देश अनुसार जिले से पकड़े गए अवैध हथियारों को दतिया पुलिस लाइन में निष्टीकरण करवाया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के 1300 अवैध हथियार शामिल हैं। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। दतिया जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए करीब 1300 विभिन्न तरह के आर्म्स और एम्यूनेशन को आज कंट्रोल रूम में माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ नष्टीकरण किया गया। साथ ही भविष्य में भी जो इस तरह के अवैध शस्त्र जो इस इलाके में जो दिक्कत है उसको देखते हुए इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर इनका पेनिट्रेशन रोकने के लिए जैसे शराब नष्टीकरण किया गया वैसे ही आज आर्म्स का नष्टीकरण किया गया और भविष्य में भी ये बार बार कार्रवाई जारी। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज़।